हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम उगाते हैं पैसों का झाड़। गाइस, मुझे मेरी फ्रेंड की मम्मी ने ये सिखाया था और मैं तकरीबन 8-10 साल से ये सब कर रही हूँ। दिवाली के दिन मैं उगाती हूँ पैसे का झाड़। तो चलिए पैसे का पौधा उगाते हैं और देखते हैं उसमें कितनी बरकत होती है। तो उसके लिए मैंने लिया है धनिया और कॉइन लिए हैं 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का और 10 रुपीज़ का। और मेरे पास एक स्नेक प्लांट है तो वो भी मैंने लिया है उसमें उगाने के लिए, और तुलसी का पत्ता। तो ये सब लगा के हम आज पैसों का पौधा उगाएंगे दिवाली के दिन। तो मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैं ऑलरेडी 2 दिन पहले ही उगा दे रही हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि आप भी उस तरह से तुलसी का पौधा लगाइए। अरे तुलसी का पौधा क्या, आप भी उसी तरह से पैसों का पौधा लगाइए और देखिए पैसों की कितनी रेलम छेल होती है पूरे साल में। तो गाइस चलिए ट्राई करने में क्या हर्ज है, ट्राई करते हैं। तो चलिए उगाते हैं। और गाइस आज मैंने एसी ऑन किया पर फिर भी इतनी गर्मी है, देखिए कितना पसीना आ रहा है। तो चलिए हम पैसों का पौधा उगाते हैं और आप देखिए कि किस तरह से मैंने पैसों का पौधा उगाया है। तो अब हम उगाएंगे इसमें पैसों का झाड़। ये मिट्टी का गमला मैंने रेडी कर लिया है और इसे अभी अच्छे से सॉफ्ट कर लेती हूँ छुरी की मदद से। ये ट्रिक ना गाइस आपने दिवाली के टाइम करनी है। तो इस तरह से हमारी मिट्टी पूरी तरह सॉफ्ट हो गई है और गमले में पानी भी डाल दिया है। अब हम गमले में ये उगाएंगे। ये है 1 रुपया, ये है 2 रुपया, ये है 5 रुपया और ये है 10 रुपया। ये 4 कॉइन जो अभी मार्केट में चल रहे हैं, तो ये 4 कॉइन को हम इस तरह से मिट्टी को साइड पे करके उसको उगा देंगे। चारों दिशा में इस तरह से हम उसको उगा देंगे। देखिए गाइस पहले 1 रुपीज का कॉइन, उसके बाद 2 रुपीज का कॉइन, उसके बाद ये साइड 5 रुपीज का कॉइन उगाएंगे और ये साइड 10 रुपीज का कॉइन उगाएंगे। तो गाइस इस तरह से हमारे कॉइन उग गए हैं। अब हम इसके ऊपर ना धनिया डालेंगे। हमें तो पैसों को उगता हुआ देखना है। ये धनिया बहुत जल्दी उग जाता है और बोलते हैं ना जिसके घर में ज़्यादा से ज़्यादा उगेगा ना ये धनिया, मतलब पनपेगा, उसके घर में बहुत बरकत होती है। तो इस तरह से हमने ये धनिया और पैसे को मिट्टी में डाल दिया है। थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे, नीचे पानी जाने के लिए जगह कर देंगे। पैसा हमने चारों चार दिशा में उगा दिया है, इसकी 4 दिशा में उगा दिया है। तो ये हमारा धनिया उग के रेडी है और पैसे का झाड़ हमने उगा दिया है। अब ये धनिया उगेगा थोड़े दिन में।
ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा थोड़ा पानी डालेंगे। तो गाइस इस तरह से ये पानी डाल दिया है। हमें धनिया बहुत अंदर नहीं उगाना है, इसको ऊपर ऊपर ही उगाना है। एक दिन के बाद हम थोड़ी सी ऊपर मिट्टी डाल देंगे। तो गाइस देखिए हमारा इस तरह से धनिया उग के रेडी हो गया है। अब हम इसमें एक तुलसी का पत्ता डालेंगे। बोलते हैं ना तुलसी कभी कोई चीज को कमी नहीं आने देती है, तो हमने एक 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 ये पत्ता तोड़ लिया है तुलसी का, और ये तुलसी का पत्ता भी उसके अंदर डाल देंगे ताकि उसे थोड़ा मिट्टी में दबा देंगे ताकि हमने जो भी उगाया है उसमें कोई कमी ना आए और उसी तरह से हमारा पैसे का पौधा फलता फूलता रहे। तो गाइज इस तरह से तुलसी का पत्ता भी मैंने डाल दिया है। और चलिए अब इसमें एक हम दिया लगाएंगे, क्योंकि हम कुछ भी नई शुरुआत करते हैं, कुछ भी करते हैं तो दिया जलाते हैं, तो इसमें एक दिया जलाएंगे, इसे हम भगवान की तरह ही पूजेंगे। गाइस मेरे पास ये स्नेक प्लांट भी है, तो मैं चाहती हूँ इस स्नेक प्लांट को भी इसमें उगा दूँ। आपको पता है ना सांप सारा पैसे की बहुत रखवाली करता है, तो इसलिए ये वाला स्नेक प्लांट मैं इसमें उगा देती हूँ। अगर आपके पास स्नेक प्लांट नहीं है तो चलेगा, आप पैसा और धनिया ही उगाइए। जैसे जैसे धनिया उगेगा वैसे वैसे आपके घर में बरकत बढ़ेगी। तो चलेगा इस स्नेक प्लांट में मैं इसमें उगा देती हूँ। और ये एक अब हम दिया रखेंगे इसमें। तो गाइस अब मेरा पूरा प्लांटेशन रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से मैंने दिया भी लगा दिया है, स्नेक प्लांट भी लगा दिया है, धनिया भी लगा दिया है और पैसे भी लगा दिए हैं। अब ये धीरे धीरे 15 दिन तक बढ़ेगा। इसमें मैंने तुलसी भी डाल दिया है। अब ये धीरे धीरे 15 डेज के अंदर इसमें धनिया उगना शुरू हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से मेरा पैसे का झाड़ रेडी हो गया है। और मैं चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर जो भी है ना और मेरे व्यूअर्स जो भी है वो भी इसी तरह दिवाली के दिन आप इस तरह से उगा दीजिए धनिया, तुलसी का पत्ता, पैसे और स्नेक प्लांट। आपके पास स्नेक प्लांट ना हो तो कोई बात नहीं गाइस, आप धनिया के उसको ही, जैसे जैसे धनिया बढ़ेगा ना वैसे वैसे पैसों की इनकम बढ़ती है ऐसा माना जाता था। और मुझे ये एक मेरी फ्रेंड की मम्मी आती थी ना, तो उसने मुझे बताया था कि इस तरह से पैसे का झाड़ उगाने का तो बहुत बरकत होती है। दिवाली के दिन अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत बरकत होगी, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। और जैसे ये धनिया जिसके वहाँ बोलती थी वो मेरी फ्रेंड की मम्मी कि हमारे यहाँ तो ना कॉम्पिटिशन लगती थी, हम हर कोई ना धनिया उगाता था और फिर देखते थे ए तेरा प्लांट कितना बड़ा हुआ। और जिसके घर में बहुत अच्छे से प्लांट बढ़ता है ना उसके घर में बहुत
बहुत बहुत पैसे की बरसात होती है। तो गाइस देखिए, इस तरह से मैंने प्लांट लगा दिया है और आप भी ये उसका आजमाइए। आजमाने में जाता क्या है गाइस, मेरा आजमाया हुआ ये तोड़का है, तो आप भी ज़रूर से ये आजमाइए। ओके, और आप करिए दिवाली के दिन आप ज़रूर से ये थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम निकाल के आप कीजिए और इसे भगवान की तरह पूजा कीजिए। देखिए फिर ये कैसे फलता फूलता है और उसी तरह से आपकी इनकम भी किस तरह से फलती फूलती है। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक गाइस। मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूअर्स और साथ में मैं भी, हम सब बहुत खुश रहें और ये वाला साल हमारा बहुत अच्छा जाए। गाइस हैप्पी दिवाली। और ये वाला ये काम आप ज़रूर से कीजिएगा दिवाली के दिन, थोड़ा टाइम निकाल के ज़रूर से ये धनिया और तुलसी का पत्ता और पैसों का झाड़ उगाइएगा। ओके, तुलसी बोलते हैं ना, कोई चीज़ की कमी नहीं आने देती है। तुलसी का एक पत्ता भी रख दो तो पूरा सब भगवान को पूरा अच्छे से, मतलब सब कुछ दे दिया। कोई भी कमी हो तो भी वो कमी को पूरा कर देती है तुलसी का पत्ता, इसलिए मैंने इसमें एक तुलसी का पत्ता डाला है। ये तुलसी का पत्ता मुझे वो आंटी ने नहीं बताया था डालने को, लेकिन मैंने खुद अपने मर्जी से डाला है। तो गाइस ऐसा करके देखिए, देखते हैं मेरे धनिया कैसे उगते हैं। हैप्पी दिवाली गाइस, बाय बाय। और आप ट्राई कीजिएगा और मुझे आपके ये पौधा अगर बढ़ा तो आप मुझे इसका फोटो निकाल के भेजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। ओके, बाय बाय। गाइज अगर ऐसा करने से पैसों की रेलम छेल होती है तो करने में हर्जा क्या है, तो करके देखते हैं और किस तरह से हमारा धनिया फलता फूलता है वो भी देखते हैं। और चलिए, करने में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है, तो चलिए फ़ायदे को आजमाते हैं। तो गाइज आपने देखा इस तरह से पौधा उगाया जाता है और आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा घर पर। और ये दिवाली के दिन उगाना है आपको, दिवाली की मॉर्निंग में। और गाइस उगाने के बाद आप उसको पैर पढ़ लीजिए और कहिए कि मेरे घर में खूब बरकत हो और खूब ये पौधा मेरा खूब फले फूले, उसी तरह से मेरे पैसे भी खूब फले फूले। आप इस तरह से प्रेयर कर लीजिए। और गाइस मैं कोई ज्योतिष वगैरह तो हूँ नहीं, पर मुझे ये पता था तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूं। तो गाइस आप कीजिए ऐसा और मुझे बताइए कि आपको कैसा, कितना फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आप अच्छे दिल से इसे ज़रूर से कीजिए। और मैं चाहती हूँ और मैं जानती हूँ ज़रूर से फ़ायदा होगा। अगर हम सच्चे मन से कोई चीज़ करते हैं ना, तो सारी कायनात उसे मिलाने के लिए हमें सपोर्ट करती है। गाइस ये डायलॉग है। तो चलिए फिर, आपके हस्बैंड बोलेंगे नहीं आपको कि पैसा पैसा क्या करती है, पैसों की लगा दूं, उससे पहले आप ही लगा दीजिए पैसों का पौधा। तो गाइस चलिए अब मैं निकलती हूँ और मेरा काम तो हो गया, पैसों का पौधा मैंने लगा दिया है। देखते हैं आप कब तक लगाते हो। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस कमेंट्स ज़रूर से कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ गाइस, ताकि वो भी ये ऐसा कर सके। ओके, तो बाय, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।